वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मार्च महीने का करंट अफेयर है। ठीक है, मार्च महीने का करंट अफेयर का पार्ट वन जो है हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ये पार्ट टू है, लेक्चर टू है। और जैसा कि हमने आपको लेक्चर वन में ही बताया कि करंट अफेयर जो है रेलवे के जो LP टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन होगा, उसमें उन्होंने अलग से, और ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में भी अलग से उन्होंने करंट अफेयर के बारे में बात की है सिलेबस में, कि वो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है करंट अफेयर से। बाकी SI CPO के एग्जामिनेशन में भी आएंगे, कोई भी एग्जामिनेशन SSC का देखिए, उसमें करंट अफेयर से तो क्वेश्चन रहता ही है। इसलिए करंट अफेयर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जो अभी से प्रिपेयर करते रहिए करंट अफेयर का, ताकि आपके सामने कोई बर्डन ना आए लास्ट मोमेंट में कि मुझे बहुत सारे महीने का करंट अफेयर तैयार करना है। मैंने काफ़ी सेलेक्टेड करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि जिसके आने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। NFRA का क्या मतलब है? NFRA देखिए, NFRA का मतलब है नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी हो गया, नेशनल राष्ट्रीय जानते ही हैं, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA का क्या मतलब है? तो यह है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? विश्व का अगर बात किया जाए, विश्व लेवल पर बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे बड़ा सोलर पार्क, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मतलब आ ही रहा है लगभग कंपटीशन में जो भी इधर रिसेंट में हो रहे हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है ये कहाँ है? कर्नाटक में। सोलर एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? ये है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर्मेनिया का नया राष्ट्रपति कौन चुना गया? आर्मेनिया का नया राष्ट्रपति कौन चुना गया? तो ये है आर्मेन सरकिशियन जो है आर्मेनिया का, इससे आप जो है आर्मेनिया से आर्मेन से लगा सकते हैं आप सरकिशियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IBSF स्कूनर वर्ल्ड कप 2018 किस टीम ने जीता? तो ये IBSF जो है स्नूकर वर्ल्ड कप जो है ये भारत ने जीता है, ठीक है। खगेंद्र जमातिया जिनका हाल ही में निधन हुआ किस पार्टी से थे? ये खगेंद्र जमातिया जो है किस पार्टी से थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया? ये CPIM से थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से थे खगेंद्र जमातिया। चीन ने अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की, मतलब कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी किया है चीन ने अपने रक्षा बजट में, डिफेंस में बजट में? तो ये 8% का बढ़ोतरी उन्होंने किया है, चीन ने अपने रक्षा बजट में 8% की बढ़ोतरी की है। किर्गिस्तान में विनेश फोगाट ने किस वर्ग में रजत जीता? तो ये 50 किलोग्राम के वर्ग में उन्होंने रजत पदक जीता है किर्गिस्तान में। संस्कृति त्यौहार इंडिया बाय द नील किस देश में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा मिस्र देश में संस्कृति त्यौहार इंडिया बाय द नील ये जो है मिस्र देश में मनाया जाएगा। 2018 महिला राष्ट्रीय टेनिस ट्रॉफी किस राज्य की टीम ने जीता है? 2018 महिला राष्ट्रीय टेनिस ट्रॉफी किस राज्य की टीम ने जीता है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र ने जीता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जो अभी तक पढ़े हैं। NFRA का क्या मतलब है? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कर्नाटक में है। आर्मेनिया का नया राष्ट्रपति आर्मेन सरकिशियन है। IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप 2018 जो है भारत ने जीता है। खगेंद्र जमातिया जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से थे।
चीन ने अपने रक्षा बजट में 8% की बढ़ोतरी की है। किर्गिस्तान में बिनेस फोगाट ने 50 किलोग्राम वर्ग में रजत जीता है। संस्कृति त्यौहार इंडिया बाय द नील यह मिस्र जो है मनाएगा। 2018 महिला राष्ट्रीय टेनिस ट्रॉफी महाराष्ट्र राज्य की टीम ने जीता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस रत्नेवेल पांडियन जिनका कि हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने किस केंद्रीय वेतन आयोग का नेतृत्व किया, कौन सा केंद्रीय वेतन आयोग का उन्होंने नेतृत्व किया था? तो उन्होंने किया था पांचवें वेतन आयोग का। ठीक है, पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग का नेतृत्व जो है जस्टिस एस रत्नेवेल पांडियन ने किया था, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। 4 मार्च को हॉलीवुड में आयोजित हुए ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? ये मेरा है गेरी ओल्डमैन को जो है 4 मार्च को हॉलीवुड में आयोजित हुए ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है गेरी ओल्डमैन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड के व्यक्ति ने 2018 में इंग्लैंड में पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? किस बॉलीवुड के व्यक्ति ने 2018 में इंग्लैंड में पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो सही आंसर है शत्रुघ्न सिन्हा को ये अवार्ड मिला है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है मनु भाकर ने और उसकी उम्र है 16 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2018 में किस भारतीय महिला पहलवान ने भारत को पहला स्वर्ण पदक जीता गया है? तो सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2018 में किस भारतीय महिला पहलवान ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया? तो सही आंसर है नवजोत कौर ने जो है पहला जो है स्वर्ण पदक दिलाया सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान राशिद खान किस टीम के कप्तान बने? तो ये कप्तान बने हैं अफगानिस्तान के। इंटरनेशनल क्रिकेट के युवा कप्तान राशिद खान किस टीम के कप्तान बने? तो ये बने हैं अफगानिस्तान के। एक बार रिवाइज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस रत्नेवेल पांडियन, जिनका कि निधन हो गया है, उन्होंने पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग का नेतृत्व किया। 4 मार्च को हॉलीवुड में आयोजित हुए ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड गेरी ओल्डमैन को मिला। किस बॉलीवुड के व्यक्ति ने 2018 में इंग्लैंड में पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शत्रुघ्न सिन्हा ने जीता? आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल मनु भाकर को मिला, जिनका की उम्र 16 वर्ष है। सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2018 में पहला स्वर्ण पदक नवजोत कौर ने भारत को दिलाया, भारतीय महिला पहलवान है। इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान राशिद खान अफगानिस्तान टीम के कप्तान बने। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और इसी तरह आप लोग जो है चैनल पर वीडियो देखते रहिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर भी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।